वही लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। यही वजह है कि बाराबंकी में सियासी पारा भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर मतदान पांचवें चरण यानी 20 मई को होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी शंखनाद करने बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही है। कांग्रेस जब 2004 से 2014 तक सत्ता में थी, तब भी उन्होंने यही काम किया था। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए क्या ये सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से हिस्सा दे देना चाहिए, और तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था।